ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड के टेस्ट में पहले दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बेहतरीन 74 रनों की पारी खेली। कोहली एडिलेड के मैदान पर एक और शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की एक गलती की वजह से विराट कोहली को अपना विकेट गंवाना पड़ा और ये गलती केवल कोहली को नहीं बल्कि पूरी टीम पर भारी पड़ी। विराट कोहली के रनआउट होने के साथ ही टीम इंडिया के विकेट गिरने का सिलसिला भी शुरू हुआ, तो भारतीय फैंस बेहद निराश भी हो गए। इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व गेंदबाज शेन वॉन भी इस पर अपनी निराशा नहीं छुपा सके। गुरुवार 17 दिसंबर को पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले सेशन में ही अपने दोनों ओपनर्स का विकेट गंवा दिया। इसके बाद कोहली ने पहले चेतेश्वर पुजारा और फिर अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर भारतीय पारी को उबारा और संवारा। इस दौरान कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और अपने 28वें टेस्ट शतक की ओर बढ़ रहे थे जब 74 रन के स्कोर पर वो रन आउट हो गए। कोहली इस पारी के दौरान एक बेहतरीन लय में थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। हालांकि इस रनआउट के साथ ही एडिलेड ओवल के मैदान पर अपना चौथा शतक जड़ने का कोहली का सपना अधूरा रह गया। विराट कोहली के विकेट से जहां भारतीय टीम और फैंस निराश थे, तो वहीं शेन वॉन भी काफी दुखी नजर आए। शेन वॉन ने एक ट्वीट कर कहा कि कोहली बड़ी पारी खेलना चाहते थे। अपने ट्वीट में वॉन ने लिखा, दिग्गज कोहली को रनआउट होते देखना बेहद निराशाजनक है। वो जब क्रीज पर आए तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि वो बड़ी पारी खेलना चाहते थे और पूरी तरीके से दृढ़ थे। हम क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बेहद शर्मनाक है। आउट होने से पहले विराट कोहली ने 180 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 74 रनों की शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली का ये 10वां अर्धशतक है। टेस्ट करियर की बात करें तो ये उनका 23वां अर्धशतक है और एडिलेड के मैदान पर वो पहले ही 3 शतक लगा चुके हैं और ये पहला मौका है जब विराट कोहली इस मैदान पर शतक लगाने से चूक गए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस टेस्ट मैच का हाल अगले दिनों में क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।